क्या प्रॉब्लम है अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे? देखो, मैं जो अप्रोच देना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल है, पुट अप क्वेश्चंस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर स्टडिंग, छोटी से छोटी चीज, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना, क्योंकि हिस्ट्री को भी हम फैक्ट समझते हैं, मैथ्स को भी हम फॉर्मूला समझते हैं, हमें लगता है कि हमने साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन याद कर लिया तो हमारे पास नॉलेज आ गई है। ये नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज तो तब होगी जब आप इस चीज को एक्सप्लोर कर पाओगे कि वर्ल्ड में वो पहला आदमी जिसने साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन निकाला होगा वो कैसे पहुंचा होगा, तो आप नॉलेज पे जा पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं तो आपको लगता है कि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आप क्लास में सॉल्व नहीं कर पाते हैं या जो आपको डाउट आता है, आपके पास इस समय सबसे बड़ा गुरु कौन सा है? गूगल गुरु, आप उसमें डाल देते हैं। ये चीजें वो चीजें नहीं है जो आपको एक्चुअली किसी तरीके से एम्पावर कर रही है, ये सारी चीजें जो है आपको कमजोर करती है। देखो, जब हमारे पास गोल्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, वी बिकम स्ट्रेंजली लॉयल टुवर्ड्स डेली एक्ट्स ऑफ ट्रिविया। वो क्या है, सुबह उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना पीना, सो जाना, पूरा दिन आप ऑब्जर्व करना इन्हीं चीजों में निकल जाता है, लाइफ में और कोई मीनिंगफुलनेस नहीं रहता है। वी बिकम स्ट्रेंजली लॉयल टू दिस।